myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is trochanteric and cruciate anastomosis. ठीक है, trochanteric और cruciate anastomosis आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं. तो trochanteric और cruciate anastomosis में कौन कौन सी आर्टरी पार्टिसिपेट करती हैं? वो हम देखते हैं पहले डायग्राम के थ्रू. ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक होती है क्या कॉमन इलियक आर्टरी. ये क्या कॉमन इलियक आर्टरी, इसकी निकलेंगी दो ब्रांच. ये निकल गई एक तो राइट और एक क्या है लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. ये हो गई राइट वाली. ये क्या राइट कॉमन इलियक आर्टरी और ये क्या लेफ्ट. अब राइट वाली से भी फिर क्या दो निकलती हैं, इससे भी क्या है दो ब्रांच निकलती हैं. एक्सटर्नल इलियक, एक तो एक्सटर्नल इलियक और एक इंटरनल इलियक. मैं इसे लिख देता हूं सबसे पहली क्या थी कॉमन इलियक आर्टरी. कॉमन इलियक आर्टरी. ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी. ये क्या थी कॉमन इलियक आर्टरी. इससे निकली राइट, शॉर्ट में लिखूंगा राइट कॉमन इलियक आर्टरी ये वाली. और ये क्या लेफ्ट, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉमन इलियक आर्टरी. अब राइट वाली भी तरह दो में डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी. एक तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये वाली और ये कौन सी हो गई इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी. ठीक है, यहां तक बात हो गई. अब एक्सटर्नल इलियक जो आर्टरी है ये आगे जाएगी. ठीक है, ये आगे गई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. आगे जाएगी तो कुछ इस तरह से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे आ गई. ये क्या करेगी यहां पे, जैसे ही ये क्या करती है, ये क्या इनवाइनल लिगामेंट, मान लो ये क्या इनवाइनल लिगामेंट है. ये क्या हो गया इनवाइनल लिगामेंट. जैसे ही ये इनवाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी, इनवाइनल लिगामेंट ये, ठीक है, ये क्या हो गया इनवाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती ये बन जाती है फीमोरल आर्टरी. तो ये हो गई हमारी फीमोरल आर्टरी. और फीमोरल आर्टरी एडक्टर हाइटस में जाएगी, एडक्टर हाइटस से आगे क्या हो जाती है, ये हो जाती है क्या पॉपलीटियल आर्टरी. क्या हो जाती है पॉपलीटियल आर्टरी. ये हो गई पॉपलीटियल आर्टरी. पोस्टीरियर साइड में इसलिए डॉट से दर्शाया गया. ये क्या एडक्टर हाइटस. ठीक है, और ये क्या है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी होगी. अब हम बात करें फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांच है, फीमोरल आर्टरी देती है एक ब्रांच प्रोफंडा फीमोरेस आर्टरी. फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे क्या बोल रहे हैं प्रोफंडा फीमोरेस आर्टरी. देखो ये निकल गई, ये एक ब्रांच थी जो निकल गई यहां से, ये ब्रांच निकली यहां से. ठीक है, यहां इसलिए क्या है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी. ठीक है, ये एक ब्रांच थी किसकी फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकल गई प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी. देखिए तीन ब्रांच, लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी और एक देती है परफोरेटिव ब्रांच. चार परफोरेटिंग ब्रांच देती है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, यहां से निकलेगी. ये क्या लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी निकल गई. देखो ये हो गई हमारी लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी. ठीक है, ये हो गई, ये लेटरल सर्कम्प्लेक्स हो गई, ये मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी हो गई और नीचे निकलती है चार परफोरेटिंग ब्रांच. देखो ये इधर की साइड हमने निकाल दी चार परफोरेटिंग ब्रांच. ठीक है, ये चार परफोरेटिंग ब्रांच है, एक दो और तीन और एक ही होगी चार. चार परफोरेटिंग ब्रांच निकलती है. देखो फर्स्ट परफोरेटिंग, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. चार परफोरेटिंग ब्रांच निकली, एक निकली मीडियल क्यूटेनियस,
एक निकली मीडिया सॉरी लेटर सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरार्टी, मीडिया सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरार्टी। ये क्या है, देखो ये वाली लेटर सर्कम, ये तो है, ये तो है मीडियल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और ये वाली देखो ये वाली, इस वाली को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख रहा हूं देखो यहां पे, ये है लेटरल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, ठीक है ये। और लेटरल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, मीडियल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, इनकी तीन तीन ब्रांच होती हैं। लेटरल की बात करें तो इसकी तीन ब्रांच होती हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। इसी तरह मीडियल की बात करें तो उसकी तीन ब्रांच होती हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और एसीटाबुलर, ठीक है। ठीक, यहां तो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, और मीडियल की होती है असेंडिंग, एसीटाबुलर और ट्रांसवर्स। अब हम बात करें लेटरल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी की कौन सी ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, इसकी असेंडिंग और इसकी असेंडिंग यहां पे आ गई, आ गई, ठीक है, दोनों की असेंडिंग ब्रांच आ गई है, ये रहे। इधर ये इंटरनल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी से आगे निकलती है डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, एक ब्रांच निकलेगी यहां से, ये निकल गई सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये क्या है डीप ब्रांच, और ये क्या है देखो ये आगे निकल गई, इससे आगे एक ब्रांच तो निकल गई ये, और एक ब्रांच और आएगी यहां पे, वो देखो अभी इतना देखो, ये एक तो हो गया ये एनास्टेनोसिस, ठीक है, ये एनास्टेनोसिस किस किस के बीच हो रहा है, लेटरल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी की कौन सी ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, मीडियल सर्कम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी की कौन सी ब्रांच, असेंडिंग ब्रांच, और ये कौन सी ब्रांच, इंटरनल इलियाक आर्टरी की कौन सी ब्रांच है, ये है डीप है, डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। हमने कहा कि इससे इंफीरियर इलियाक आर्टरी से आगे यहां से दो ब्रांच निकली, एक तो निकली सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ये थी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, देखो ये वाली, ये क्या है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये हो गया इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब इससे एक ब्रांच तो ये निकल रही और इससे एक ब्रांच और निकलेगी, ये जो ब्रांच है ये इसे बोल रहे थे, तो ये जो ब्रांच निकली है ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये तो होगी, ये ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये रही, ठीक है, और ये भी ब्रांच इसी की है, इसे क्या नाम देंगे अभी रुको, इस ये की आ गई, ठीक है, एक तो इधर से आएगी, दो इधर से आएगी, देखो एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी फर्स्ट की, इसकी देखो इसकी, तो ये एनास्टेनोसिस हो गए हमारा ये, ठीक है, कहां कहां से आ रही है ये ब्रांच किसकी, ये इस ब्रांच को क्या नाम बोला, इसको बोला, ये तो हो गई ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, नीचे वाली को बोल रहे हैं एनास्टेनोसिस ब्रांच ऑफ, ये है एनास्टोमोटिक, ये क्या है एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है, ये हो गए दोनों एनास्टेनोसिस। इसके अलावा हम बात करते हैं जो ये है ना, ये परफोरेटिंग ब्रांच, फर्स्ट परफोरेटिंग, ये क्या परफोरेटिंग ब्रांच है, ये फर्स्ट परफोरेटिंग, सेकंड परफोरेटिंग, थर्ड परफोरेटिंग, ये आपस में भी क्या करती है एनास्टेनोसिस करती है, देखो ये इससे करेगी, ये इससे करेगी, इसी तरह ये नीचे वाली से भी करेगी और ये भी करेगी, ये आपस में भी क्या करती है एनास्टेनोसिस करती है ऐसे, ठीक है, ऐसे एनास्टेनोसिस करती है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो है पॉपलीटल आर्टरी, ठीक, इसकी एक सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच इसके साथ करेगी एनास्टेनोसिस, इसकी एक ब्रांच है ये, एक एनास्टेनोसिस हो गया, ये किस किस के बीच है, ये क्या है, ये है सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच, सुपीरियर
मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोपलीटल आर्टरी। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम बात करते हैं ये जो है ना ऊपर वाला, ये तो है ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमो। देखो ये तो हो गया हमारा ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमो। ये क्या है? ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोसिस। ठीक है, ट्रॉकेंट्रिक एनास्थमोसिस। और ये है क्रूसिएट एनास्थमोसिस। ये क्या है? क्रूसिएट एनास्थमोसिस। ये समझ गए? ये तो क्रूसिएट है। क्रूसिएट एनास्थमोसिस किस किस के बीच हो रहा है? ये हो रहा है किसके बीच? एक तो इसमें ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच? इसमें आएगी ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स ब्रांच, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ, देखिए ये वाली तो है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की। और ये वाली देखो, ये वाली ब्रांच, ये भी ट्रांसवर्स ब्रांच है, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और ये कहां से आ रही है? एनास्थमोटिक ब्रांच ऑफ इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और ये क्या है? एक है ये असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। देखो ये कौन सी? असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। फर्स्ट जो परफोरेटिंग आर्टरी है प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी की ब्रांच, उसकी असेंडिंग ब्रांच आएंगी लेटरल एलसीएफए और एमसीएफए की ट्रांसवर्स ब्रांच आएंगी। और एक आती, देखो मैं लिख रहा हूं, ये क्रूसिएट एनास्थमोस। इसमें एक तो आ गई ये, और दो तीन और ये फोर, ये चारों मिलकर क्या कर रही है? क्रूसिएट एनास्थमोसिस कर रही है चारों ब्रांच। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस। ट्रॉकेंटेरिक में आता है असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और एक आती है ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। देखो ये आती है एक दो, ठीक है, और ये इसकी, ये कौन सी ब्रांच है? असेंडिंग ब्रांच। इनको मैं लिख, ये देखो असेंडिंग ब्रांच मैं लिख रहा हूं, यहां नहीं लिख सकते इसको, ये असेंडिंग ब्रांच है। ये दोनों देखना, ये दोनों मैं एक साथ लिख रहा हूं, इनको, इन दोनों को यहां पे लिख रहा हूं, असेंडिंग ब्रांच ऑफ, एक तो लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की, कौन सी? देखो ये वाली, ये तो होगी लेट, तो ये तो ये हो गई तीसरे नंबर पे, वन टू थ्री, ये भी असेंडिंग ब्रांच है। इसे कहां लिखते हैं? इसे मैं यहीं पे लिख रहा हूं, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्या? असेंडिंग ब्रांच है, ये भी असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ठीक है, मैं ये हो गए फोर, मैं इन पे स्टार लगा रहा हूं अलग अलग दर्शाने के लिए। ये स्टार वाली किसकी है? ये है ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस की। ठीक है, ये स्टार ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस ही रहा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस और क्रूसिएट एनास्थमोस किस किस के बीच हो रहा है। ठीक है, समझ गए? पूरा डायग्राम समझ लो, ये पूरा डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन जब बनाया था बहुत ही सिंपल डायग्राम। तो देखो इधर से कॉमन इलियक आर्टरी है, वो बट गई राइट कॉमन इलियक में, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में, फिर उससे निकली राइट से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे इन्गुइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है फीमोरल आर्टरी बना लेती है, फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकली प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ये रही इसकी तीन ब्रांच लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी और चार परफोरेटिंग ब्रांच देती है। ठीक, फिर लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की क्या है यहाँ पे? दो ब्रांच, वैसे तो तीन ब्रांच होती है लेकिन दो ब्रांच यहाँ पे क्या कर रही है? एनास्थमोस कर रही है। असेंडिंग ब्रांच तो देती है क्या? ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस। एलसी लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच तो करती है क्या? ट्रॉकेंटेरिक एनास्थमोस। और ट्रांसवर्स ब्रांच क्या करती है? क्रूसिएट एनास्थमोस।
इतना समझे, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस में इसके अलावा इधर से इंटरनल इलियक आर्टरी ये दो भाग में डिवाइड हो गई, एक तो सुपर एक तो होगी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। फिर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की डीप ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही है कहां पे, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस में, और ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी ये भी पार्टिसिपेट करती है ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस में। इतना समझे। इसके बाद आ जाइए क्रूसिएट एनास्मोस, ये किस किस से होगा, इसमें आएगा ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ एलसीएफए, ट्रांसवर ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमर आर्टरी, और इसके असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, और एक आती है एनास्मोटिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये इस तरह से क्या होता है, इसका डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन, ठीक है, ये आगे समझ, अब इसे मैं फिनिश करता हूं, ठीक है। लोकेशन देखेंगे और मैं लिखा भी देता हूं आपको, हमने बात की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस टी, ये क्या है ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस, ठीक है। इधर यदि बात करें तो ये बनता है असेंडिंग ब्रांच, इसमें असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक, इधर असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक। इसके अलावा यदि बात करें असेंडिंग ब्रांच होगी ब्रांच ऑफ इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये होती थी ब्रांच ऑफ इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये क्या होता था, एक होता था इंफीरियर डिवीजन ऑफ डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी के डीप ब्रांच का इंफीरियर डिवीजन। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों क्या करते हैं, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हम बात करें क्रूसिएट एनास्मोसिस की, इसको शॉर्ट में लिखें सीएचए। क्रूसिएट एनास्मोसिस इधर देखें, इधर क्या है, लेटरली तो होता है ट्रांसवर्स, लेटरली यहां होगा ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की, तो ट्रांसवर्स ब्रांच, और इधर मीडियल सर्कम्प्लेक्स, मीडियली क्या होगा भाई, मीडियली होगा ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी की क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्स ब्रांच। एलसीएफए की भी क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्स ब्रांच। ब्लो नीचे की साइड क्या आएगा, यहां आएगा क्या भाई, असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ब्लू होता है असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी की क्या आ जाएगी, असेंडिंग ब्रांच आ जाएगी। इधर बात करें एवं क्या होता है, होती थी ना एनास्टमोटिक ब्रांच ऑफ इंटीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये होगा एनास्टमोटिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की एनास्मोसिक ब्रांच। तो ये दोनों हो गए क्या, इससे नीचे ये तो हो गए क्रूसिएट एनास्मोस, ये चार मिलके क्रूसिएट एनास्मोस बनाते हैं, और ये चार मिलके ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसकी लोकेशन और देखो, लोकेशन की यदि बात करें, लोकेशन की बात करें किसकी, ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस की। ट्रोकेंट्रिक एनास्मोस होता है कहां पे, इज सिचुएटेड ऑन ट्रोकेंट्रिक फोसा, सिचुएटेड होता है कहां पे, ट्रोकेंट्रिक फोसा में, ठीक है। अभी ट्रोकेंट्रिक फोसा कहां होता है, ये तो हो गया ट्रोकेंट्रिक फोसा में, ये होता है ट्रोकेंट्रिक फोसा हेड ऑफ फीमर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच, ये कहां होता है, ये होता है हेड ऑफ फीमर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच, ठीक है, ट्रोकेंटर
ट्रैक्टर के बीच, ग्रेटर ट्रॉक एंड टर्न, ठीक है, ग्रेटर ट्रॉक एंटर के बीच होता है। क्या ट्रॉक एंट्रिक फोसा, ट्रॉक एंट्रिक फोसा होता है ट्रॉक एंटेरी कैनाल फोसे, और ये सप्लाई करता है किसको, हेड ऑफ फीमर की ब्रांच को, ये सप्लाई किसे करता है, ये सप्लाई करेगा ब्रांचेज ऑफ हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर की जो ब्रांच है उनको क्या करता है, सप्लाई करता है। क्रूशिएट एनास्मोसिस, क्रूशिएट एनास्मोसिस कहां होगा, सिचुएट, ये होता है सिचुएटेड कहां, ओवर अपर पार्ट ऑफ बैक ऑफ, पीछे बैक ऑफ क्या, फीमर के बैक में अपर पार्ट के ऊपर स्थित होता है, और कहां, एट द लेजर ट्रोकेंटर, लेजर जो ट्रोकेंटर होगा ना, एट द लेवल ऑफ लेजर ट्रोकेंटर, ठीक है, लेजर ट्रोकेंटर के लेवल में, वो तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और फीमर, हेड ऑफ फीमर के बीच जो ट्रोकेंटर पहुंचा था वहां था, ये होता है लेजर ट्रोकेंटर के लेवल पे, कहां पे, फीमर के पीछे। ये तो हो गया इनकी क्या सिचुएशन की बात, एक डायग्राम भी देखो, डायग्राम कैसे बनाना है, देखो ये तो हो गई हमारी, ये हो गई हमारी फीमर बोन्स, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, फीमर बोन्स ऐसे, ठीक है, फिर यहां पे कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे चार आर्टरी आएंगी, यहां पे क्या, ये क्या ट्रॉक एंटेरिक फोसा, और यहां होगा ट्रॉक एंटेरिक एनास्मोसिस, ठीक है, और यहां पे देखो, ये क्या पोस्टीरियर साइड में, तो ये क्या, यहां क्या होगा, क्रूशिएट एनास्मोसिस होगा, ये इसकी क्या हो गई सिचुएशन, हो गई लोकेशन, हो गई। तो इस तरह से ट्रॉक एंटेरिक एंड क्रूशिएट एनास्मोसिस टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका टॉपिक कैसे लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।